नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सीखी.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लॉकडाउन की स्थिति में कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध होती हैं और लॉकडाउन का क्या मतलब है, इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, देश में COVID-19 के संक्रमण से प्रभावित होने के कारण कई राज्यों में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है और राजस्थान, उत्तराखंड और पंजाब को 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो है कई शहरों सहित देश के 75 जिले में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है ताकि इस संक्रमण को जो है महामारी का रूप लेने से रोका जा सके। और आज तक हमने देश में कर्फ्यू और हड़ताल का नाम सुना है और कितनी बार और किंतु जो है पहली बार लॉकडाउन लागू किया गया है देश में। और लॉकडाउन का प्रयोग जो है पश्चिमी देशों में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कई बार किया जा चुका है, किंतु अभी तक हमारे देश में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कर्फ्यू या धारा 144 लागू किया जाता रहा है। तो इस पहली बार लॉकडाउन किया गया है लागू। तो दोस्तों, लॉकडाउन से तात्पर्य है जरूरी सेवाओं के अतिरिक्त सभी सेवाएं बंद रहेंगी देश के अंदर। जिन भी जिलों में जो है लॉकडाउन घोषित किया गया है या राज्यों में, और इस दौरान जो है व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें, होटल्स, सार्वजनिक वाहन आदि बंद रहेंगी, केवल जरूरी सेवाएं ही उपलब्ध हो सकेंगी, जैसे एम्बुलेंस, दवा की दुकानें, राशन और दूध, सब्जी आदि। तो दोस्तों, लॉकडाउन में जो है किन किन लोगों को आने जाने की छूट होगी, तो उसके अंतर्गत जो है कानून व्यवस्था को लागू करने से संबंधित विभाग यानी कि पुलिस कर्मियों का विभाग जो है जारी रहेगा, उसमें कार्य जारी रहेंगे और पुलिस कर्मी जो है अपना कार्य करते रहेंगे। और इसके अतिरिक्त जो है अग्निशमन विभाग का कार्य जारी रहेगा और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को जो है आने जाने की छूट रहेगी घर से बाहर। और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सभी कर्मचारियों का कार्य जारी रहेगा, हॉस्पिटल से संबंधित जो है डॉक्टर, नर्सेस, वार्ड बॉय, ये सारे जो है आ जा सकेंगे और इनका कार्य जारी रहेगा, इनका कार्य खुला रहेगा इनका कार्य स्थल। और जेल विभाग, बिजली और जल विभाग के सभी कार्यालय खुले रहेंगे, उनमें कार्य जारी रहेगा, उनके कर्मचारी जो है आ जा सकेंगे। और नगर निगम के सफाई कर्मी और जैसे कूड़ा उठाने वाले, झाड़ू लगाने वाले आदि कर्मचारियों को भी कभी अपना कार्य जारी रखना होगा और उनको भी आने जाने की अलाउड होगा। और मीडिया में कार्यरत लोगों को जो है आने जाने की छूट होगी, जैसे पत्रकार वगैरह जो है वो न्यूज एकत्रित करने के लिए आ जा सकेंगे। और पेट्रोल पंप और ATM को केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, यानी आवश्यकता अनुसार पेट्रोल पंप और ATM को खोलने करके जो है निर्देश दिए जाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो है स्वरोजगार करने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी अपना रोजगार बंद रखेंगे, फैक्ट्रियाँ, निजी फैक्ट्रियों के मालिक हैं उन्हें भी अपना फैक्ट्री बंद रखना होगा। और इसके अतिरिक्त जितने भी सरकारी या निजी फैक्ट्रियाँ हैं, दुकानें हैं, सब बंद रहेंगी, केवल जरूरी विभाग ही खुले रहेंगे। और निजी वाहन से घूमना भी प्रतिबंधित होगा। इसके अंतर्गत यदि बहुत आवश्यकता है, आपातकालीन स्थिति है, तो एम्बुलेंस को बुलाया जा सकता है और बहुत आवश्यक है तभी जो है निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा। और लॉकडाउन का मकसद है जो है लोगों को एक दूसरे के संपर्क में आने से रोकना है, जिससे कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जैसे कि आपातकालीन स्थिति होने पर जो है एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध रहेगी। और विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन जो है नहीं किया जा सकेगा, यदि बहुत आवश्यक होगा तो जिला अधिकारी या राज्य प्रशासन से अनुमति लेनी होगी विवाह आदि कार्यक्रम आयोजन करने के लिए। और इसके अतिरिक्त जो है
सेवाएं उपलब्ध होंगी, उनके अंतर्गत जो है दूध सब्जी राशन की दुकानें खुली रहेंगी और दवा की दुकानें खुली रहेंगी और सभी निजी और सरकारी स्वास्थ्य संस्थाएं, हॉस्पिटल्स जो है, स्वास्थ्य केंद्र है, वो सब खुले रहेंगे और सारी औषधि की दुकानें खुली रहेंगी और दूर संचार, डाक सेवा, इंटरनेट सेवा जारी रहेगा और इसकी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी और सभी बैंकों में जो है कैश से ट्रांजेक्शन से संबंधित सेवा जारी रहेगी और इसके अतिरिक्त जो है सेवाएं, किन सेवाओं का लाभ नहीं उठाया जा सकेगा उसके अंतर्गत जो है सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सभी बंद रहेंगी और जैसे निजी एवं सरकारी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा आदि सभी बंद रहेंगी। इसके अतिरिक्त जो है निजी परिवहन जो है सार्वजनिक रूप से चलती है वो भी बंद रहेगी और दिल्ली में जो है 25% GTC बसें चलेंगी दिल्ली सरकार की और मेट्रो, रेल, इंटरनेट, इंटरस्टेट बसें और ट्रेन की सेवाएं भी बंद रहेंगी लॉकडाउन के दौरान और इसके अतिरिक्त सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा भी बंद रहेगी और सभी प्रकार के निर्माण कार्य बंद रहेंगे लॉकडाउन के दौरान और सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे, यानी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब जो है बंद रहेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से लॉकडाउन का आवश्यक के अंतर्गत जो है आवश्यक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे और घर के अंदर ही रहना आवश्यक होगा जिससे कि संक्रमण को जो है महामारी का रूप लेने से रोका जा सके, इसी मकसद से सरकार ने लॉकडाउन किया है लागू। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे YouTube चैनल ckt.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो है लॉकडाउन के नियमों और सेवाओं से संबंधित जानकारी जो है लोगों को तक पहुँच सके।